द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2022 जो कि कल हुआ है, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस पेपर के बाद काफ़ी बच्चों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मुश्किल था पेपर, तो इसके हिसाब से हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं इसमें, तो हर सब्जेक्ट की इसमें एनालिसिस करेंगे। तो ये बात वीडियो के स्टार्टिंग में बता जाती है, ये वीडियो क्या एनालिसिस उनके बेसिस पर है जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने तो क्या मारे उनके लिए तो भाई जैसा है वैसा है, लेकिन हम बात करें जिन जो लोग पढ़ के गए हैं सारे सब्जेक्ट, उनके कितने मार्क्स इसमें लगभग लगभग बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल लेवल की पहले तो बात कर ले तो भाई ये इजी नहीं था, ये टफ भी नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल था उसके वजह से। अब पहला सेक्शन था भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, तो इसमें 30 मार्क्स थे, 30 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले बात करें तो भाई ये जो कंप्यूटर साइंस वालों के पास बीएड नहीं होती एलिजिबिलिटी में, तो उनके लिए सेक्शन एक तरीके से नया ही होता है, तो इसमें 95% बच्चे तो तुक्के मारते हैं। तो इसमें जो कुछ लोग पढ़ते हैं, तो अब बात करें जैसा लेवल था पेपर का, जो पढ़ते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है वो 10 से 12 क्वेश्चन तो ईजिली कर ही रहे थे इसमें, मतलब उनके हो जा रहे थे। हम तुक्कों की इसमें बात नहीं करेंगे, हम जो बच्चे अटैम्प्ट करके मार्क्स ले सकते हैं सिर्फ उनकी बात करें, तो क्या अलग से बात करेंगे बाद में। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पहले सेक्शन में 10 से 12 क्वेश्चन जिसने पढ़ के गया था तो वो 10 से 12 मार्क्स इसमें आराम से ले सकता है, बाकी गैस मार्क्स अलग से उसको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। इसके बाद कभी हिंदी की, तो हिंदी का लेवल काफ़ी अच्छा था, जिसने तैयारी की है वो तो नहीं, लेकिन हाँ जिसने थोड़ा सा अच्छे लेवल की तैयारी की है तो वो भी 6 से 7 क्वेश्चन इसमें जो अपने कर सकते थे। इसके बाद करें इंग्लिश, इंग्लिश में भी 5 से 6 क्वेश्चन सबके हो जा रहे थे, तो हम इसमें वो डिस्कस करें जो सबके लगभग बच्चे पढ़ने वाले कर रहे थे, जिनके तुक्के मारने वाली बात हुई उनका हम लास्ट में बात कर लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वांट मैथ्स की, बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो लगभग सबके हो रहे थे, जिसने भी मैथ्स पढ़ी है जो प्रैक्टिस करके गया 7 से 8 इजीली कर रहा था। 1-2 क्वेश्चन में भाई किसी को प्रॉब्लम आ रही थी तो वो उन्होंने सबने तुक्के लगाए। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में भी 7 से 8 क्वेश्चन सबके ही हो रहे थे, वो 1-2 क्वेश्चन हम बात करते हैं सीरीज का बात कर सकते हैं या फिर कुछ भी लॉजिकल क्वेश्चन 1-2 थे उनमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज 7 से 8 क्वेश्चन जो है सब कर ही रहे थे। इसी के बाद बात करें हरियाणा जीके का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, HSSC से तो काफ़ी अच्छा था, तो जिन्होंने पढ़ी है उनके भी और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी एक तरीके से बराबर ही हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा था। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जिसने पढ़े हैं उसके हो रहे थे, 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको आते ही थे, नॉर्मल थे, लेकिन हम बात करें जो पढ़ के भी 4 से 5 मार्क्स इसमें बन रहे थे पढ़ने वालों के, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस, इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा था, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन, तो इसमें यदि बात करें तो बच्चे सोच के गए थे भाई इजी आने वाला है, क्योंकि वैकेंसी में मौका मिल रहा है, शायद हरियाणा बोर्ड जो है इसमें इजी क्वेश्चन पेपर देगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ना कहीं जो है लेवल ऊपर ही रहा इसका। हम पढ़ने वाले बच्चे की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स इसमें उसको ईजिली आते हैं, मतलब कर सकता था वो, जिसने भी ठीक ठाक तैयारी की है उसके लिए 25 से 30 मार्क्स लेना इसमें कोई वो नहीं था। अब कुछ बच्चे रहेंगे कि भाई हमारे 30+ हैं, तो वो अलग बच्चे सब में अच्छे मार्क्स लेते हैं जो हम, लेकिन हम नॉर्मल बच्चे जो पढ़ के जाते हैं उनके मार्क्स की बात करें तो इतने मार्क्स तो वो इस सेक्शन में ले ही सकते हैं। तो ये था एनालिसिस। अब हम बात करते हैं टोटल, इसको हमें जोड़ दे तो कितना बनता है, तो टोटल 150 मार्क्स में, तो इन दोनों को हम जोड़ दें तो 64 से लेकर 76 मार्क्स की जो रेंज इसमें बनती है, इसका मतलब ये है कि भाई 64 से लेकर 76 मार्क्स जो है पढ़ने वाले बच्चे इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो रेस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो इसमें सबने पूरे के पूरे अटैम्प्ट किए हैं, तो सबको पता है कि पासिंग मार्क्स 90 होता है, यदि किसी ने 76 भी कर लिए तो वो तो उसके ठीक ही ठीक है, 70 भी हम इसका मान लेते हैं एवरेज, 70 भी इसके अगर एवरेज ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं करीब 72-74 क्वेश्चन भी अब रह गए हैं इसमें, जिसके उसमें तुक्के 30 के आसपास या फिर 25 से 30 के आसपास में तुक्के लग भी जाते हैं, तो
उसका भी इजीली इसमें क्वालिफाई हो सकता है। तो ये था एनालिसिस। अभी आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2017 से मुश्किल था ये पेपर, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। 2017 की बात करते हुए सबसे, जो एचटेट की बात करें कंप्यूटर साइंस में, सबसे मुश्किल पेपर 2017 का है। उसके बाद हम इसको काउंट कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर इसको रख सकते हैं, लेकिन 2017 से तो मुश्किल नहीं था। 2017 वाला तो काफ़ी हार्ड पेपर था। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। पिछले ट्रेंड देखें तो जैसे आज कल पेपर था पीजीटी का, तो हम बात करते हैं जो टीजीटी और पीआरटी का पेपर होता है अगले दिन, उसके शाम को ही या रात को आंसर की आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न इसका समझें बोर्ड, शिक्षा बोर्ड का, तो भी आज शाम को आंसर की रात को आ जानी चाहिए। अगर कोई इनको प्रॉब्लम होती है तो वो कल तो पक्का आएगी आएगी, अगर पूरे पूरे चांस है आज रात तक आंसर की जो है आ जाएगी। तो हम बात करते हैं ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे। तो दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे दिखे हैं जिन पे जो डाउट लग रहा है कि उनकी ग्रेस मिल सकती है। दो क्वेश्चन करीब कंप्यूटर में दिख रहे हैं, वो बोर्ड के ऊपर है, या तो वो उनको डिलीट करके ग्रेस मार्क्स दे। अदरवाइज भी ऐसा भी होता है एस्टेट में कि डबल ऑप्शन सही मान लेते हैं। मान लीजिए किसी का बी एंड बी भी सही है और सी भी सही है, तो वो क्या करते हैं बी एंड सी कर देते हैं, और जिन्होंने भी बी या सी में से कोई एक टिक किया है उन सबको मार्क्स मिलते हैं। तो इतने ऐसे क्वेश्चन भी दो हैं करीब। तुम बात कर लेते हो टोटल तो करीब करीब चार, चार से पाँच ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अब वो बोर्ड के ऊपर है कि भाई बी डबल ऑप्शन कितने मानता है और ग्रेस मार्क्स कितने देता है। वो दो ग्रेस भी दे सकते हैं और दो डबल ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए करीब करीब आप 4 मार्क्स का मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 90 पासिंग मार्क्स है। तो जिसके लिए हम बात करें 76 या फिर 86 या फिर 87 है जिसके, उसका जो है ये क्वालिफाई हो सकता है। तो हम अगली वीडियो में जो क्वेश्चन जिन पर ग्रेस मिल सकती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।